इसके मेजर राइटर्स की बात कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी ना ये पूरा टाइप कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका कैनेडियन के अंदर जितने भी राइटर्स आपको अभी करने हैं फिलहाल ये टाइप कर दिए। तो मार्गरेट एटवुड वाज बोर्न इन 1939, शी इज अलाइव, एंड ये सब कॉन्टेम्पररी राइटर्स हैं, मेनली आपको ये करने ही करने हैं, ठीक है। अब आते हैं इनके फर्स्ट वर्क पे मार्गरेट एटवुड के, एंड इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि शी इज बेसिकली अ वेरी ब्रिलियंट राइटर बिकॉज शी स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम द एज ऑफ 6 years, ठीक है। She started writing from the age of 6 years. 6 साल की थी, तब से लिखती आई है, एंड इवन 6 साल की एज में तो सॉरी 8 years की एज में तो इनकी बुक पब्लिश हो गई थी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एंड शी स्टार्टेड अर्निंग। उसके बाद शी इज अ सेल्फ मेड, शी इज अ वेरी बिग कैनेडियन फेमिनिस्ट, एंड शी वर्कड अ लॉट फॉर द फीमेल एंड गर्ल्स एजुकेशन। इन्होंने काफी काम करा है, और अब इनके वर्क्स पे आते हैं। फर्स्ट इनका द एडिबल वुमेन, दिस इज अ प्रोटो फेमिनिस्ट वर्क, मतलब कि इस टाइम पे कनाडा में कोई फेमिनिज्म के बारे में नहीं जानता है, और ये जब सेटिंग है जो इस वर्क की, जो टाइम इन्होंने लिया है इस वर्क का, उसमें भी कोई फेमिनिज्म की बात नहीं कर रहा है। नो वन नोज अबाउट फेमिनिज्म या ऐसी कोई सॉरी मूवमेंट है, स्ट्रीम है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो एडिबल वुमेन के अंदर जो कैरेक्टर है मरियन मैक एल्पाइन का, शी इज द प्रोटैगनिस्ट, वो एक वेजिटेरियन गर्ल है जो शी इज प्रमोटिंग वेजिटेरियनिज्म, एंड शी डोंट वांट एनीवन टू गो फॉर नॉन वेजिटेरियनिज्म एज इट इज स्प्रेड वायलेंस एंड इट इज नॉट गुड। Eating animal is like no sense, and the roommate, ये एक room लेके रहती है जहाँ पे इसके office की worker and colleagues वगैरह भी हैं। तो जो लड़की इसके साथ रहती है, she is ultra modern, she wants to have relationship but doesn't want to get married to anyone. तो वो अपनी अलग ही philosophy में चल रही है, और वो इसको affect करती है और इसकी philosophies उसे affect करती है। तो वो वेजिटेरियन फूड या ये सब तो ठीक है, बट शी इज लाइक ऑन अनदर लेवल ऑफ द वर्ल्ड। पीटर वुडलैंडर मैरियन का बॉयफ्रेंड है, जो इसके हिसाब से चलने को रेडी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ही इज टेकिंग एग्स और नॉन वेज और वेजिटेरियन फूड, बट मीनवाइल ही स्टार्टेड फॉलोइंग एज मरियन वाज सेइंग, जैसे वो बोलती है वैसे करने को रेडी है। बट मरियन का जो ये वेजिटेरियनिज्म बीइंग वेगन ये बढ़ता जा रहा है, तो वो अभी तो फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर मना कर रही थी, अब शी सेज कि अगर उस शेप में भी कोई फूड है तो भी नहीं खाना। लाइक इफ यू आर ईटिंग द कैंडीज इन द शेप ऑफ अ बियर और जेलीज इन द शेप ऑफ फिशेज और समथिंग, इट मीन्स कि आप वो एनिमल खाना चाहते हो, इसलिए आप उस शेप को लाइक कर रहे हो एंड यू आर ईटिंग, तो यू एक्चुअली डिजाइडिंग टू ईट दैट, तो उस शेप को भी नहीं खाना है। तो यहाँ स्पिरिचुअलिटी एंड साइकोलॉजी का एक डेडली थिंग है जो वो करना चाह रही है, एंड पीटर इज ट्राइंग हार्ड टू लिव लाइक हर विश, एंड मेन इन्हीं की स्टोरी है। उसके साथ इसकी जो रूममेट थी उसकी स्टोरी भी है, दैट इज ऑल्सो अ डिस्टर्बिंग फेस दिखाते हैं, लेकिन वो टोटली अलग है, मैं सिर्फ इसी का बता रही हूँ, उसी को ध्यान रख लो। सो जो इसका रूममेट है एन अपना पहले एक बॉयफ्रेंड बनाती है, फिर उसके साथ रहने लगती है, फिर उसको छोड़ देती है, एंड देन मीनवाइल उसको लगता है कि शी शुड हैव अ चाइल्ड, तो वो मरियन को बोलती है कि ठीक है मुझे एक बेबी करने की इच्छा हो रही है, तो कहती शादी कर ले, तो उसने कहा नहीं मैं इसके लिए शादी थोड़ी करूंगी, बस एक बच्चा ही तो चाहिए, हस्बैंड ही चाहिए। तो पहले वो प्रेग्नेंट होती है अपने बॉयफ्रेंड को या उसको फंसा के किसी भी तरीके से झूठ बोल के, एंड देन जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको लगता है कि मैं अकेले कैसे करूंगी, तो वो फिर उससे शादी करने की जिद करती है, फिर उसको कुछ 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 गेम प्लान एंड वो उधर के पार्ट पे चल रहा है।
बट फिर वो उसके लिए टीटर को भी यूज करती है, ये सब इसमें दिखाया है। अल्टीमेटली जितनी भी गलत फहमियां होती है वो ठीक हो जाती है, पीटर एंड मरियन गेट टुगेदर, बट मरियन यहाँ पे उसको मतलब पीटर शादी के लिए प्रपोज करता है, तो वो कहती है कि वो उसको हाँ बोल देती है पीटर को कि ठीक है वी विल गेट मैरी। तो वो यहाँ पे एक खाना मतलब एक फीस्ट ऑर्गेनाइज करती है कि फाइन वी विल हैव सम लंच और डिनर लाइक टुगेदर, तो आई विल कुक। वो घर पे सब बना रही है केक्स एंड ऑल। सो टू चेक द लॉयल्टी ऑफ पीटर, क्योंकि इसका साइकिक लेवल इसके लिए बढ़ता चला जा रहा है, तो वो एक केक बनाती है इन द शेप ऑफ अ डॉल और वो उसको अपना खुद का नाम दे देती है कि दिस इज मी। अब नाउ पीटर इज नॉट अवेयर अबाउट इट व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट द डॉल, शी सेज दैट दिस इज मी, आई हैव मेड मायसेल्फ टू यू, आई एम प्रेजेंटिंग मायसेल्फ टू यू, नाउ यू हैव टू टेल मी हाउ इट इज एंड ऑल। तो शी इज बेसिकली लीविंग अ डिसीजन ऑन हिम और पीटर मजे मजे में आराम से बिना उसकी बात पे इतना ध्यान दिए वो आराम से खा लेता है और कहता है बहुत टेस्टी है। तो लास्ट में शी स्टॉप टॉकिंग देन, तो कहते क्या हो गया तुम बात नहीं कर रही हो या व्हाट हैपेंस, कहते है ये मैं थी तुमने मुझे खा लिया, नाउ शादी कैसे हो सकती है। सो दिस इज द काइंड ऑफ लेवल ऑफ साइकोलॉजी शी वाज गोइंग थ्रू और यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे एक गैप दिखाया है इसके अंदर। तो एडिबल वुमेन वॉज बेसिकली कि तुम्हारी जो मेंटालिटी है इसने उसको फूड से रिप्रेजेंट करा है कि व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग। तो यहाँ पे हालांकि मार्गरेट एटवुड ने इसी को थोड़ा सा साइकिक कैरेक्टर दिखाया है कि टेकिंग अ थिंग इज डिफरेंट एंड टेकिंग इट टू सीरियसली इज डिफरेंट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ विद अ अनहैप्पी एंड, नॉट अ ट्रेजिक बट अनहैप्पी। गॉट इट, स्टोरी समझ में आ गई? यस मैम। हेलो। यस मैम। यस मैम। Then आता है सरफेसिंग। सरफेसिंग इज ऑल्सो स्टोरी ऑफ अ डिस्टर्ब्ड गर्ल। शी इज अ डॉटर ऑफ अ सेपरेटेड फैमिली, इसके पेरेंट्स अलग हो चुके हैं, ये मदर के साथ रहती है, नाउ मदर ऑल्सो हैव अ रिलेशनशिप, शी इज अ ग्रोन अप गर्ल, तो मदर ने शादी कर ली है, बट शी इज ऑल्सो हैंगिंग आउट विद हर बॉयफ्रेंड और एक ये अपने फादर को भी जानती है कि ये वहीं रहते हैं, मेरी उनकी नहीं बनती है। तो शी प्लान्ड अ पिकनिक एंड आउटिंग विद द बॉयफ्रेंड एंड फ्रेंड्स, बहुत सारे ये तीन सात आठ फ्रेंड्स आउटिंग प्लान करते हैं, तो ये वहीं करती है जहाँ इसके फादर रहते हैं। एंड शी वांटेड टू सर्च एवरीथिंग अबाउट हिम कि क्या वो भी किसी और के साथ इन्वॉल्व होके भूल गए हैं इसको। तो ये उनके घर जाती है, स्ट्रेंजर की तरह जाती है, एंड शी ट्राइज टू फाइंड आउट कि मेरी कितनी बिलोंगिंग्स है, मुझे कितना प्यार करते हैं, वो उनके साथ रहती है, मुझे पहचान भी जाता है बाद में, हैप्पीली रहते हैं, बातें करते हैं, एंड ही ऑल्सो सेज कि ये मिस हिम, लेकिन इसको लगता है कि नहीं वो ऐसे ही बोल रहा है, उसकी लाइफ में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो शी वॉज लाइक इन अ डिलेमा, वो कन्फ्यूजन में ही है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इसको इस टाइम तक एक इस तरीके का डिप्रेशन है कि शी स्टार्ट ओवर थिंकिंग और वो अपने थॉट्स में कब लूज कर जाती है खुद को उसको पता नहीं चलता, वो कहीं 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 चली जाती है, जो भी काम कर रही होती है शी फॉरगेट्स लाइक दैट। तो इसमें ये दिखाया है कि नाउ शी केम बैक टू द कैंप, जो पिकनिक था कैंप था वहां पे अपने फ्रेंड्स के पास वापस आती है, एंड शी टेक अ डिप इन टू द पॉन्ड और वो उसमें तैर रही है, लेकिन शी इज थिंकिंग अबाउट द फैमिली एंड इज नॉट कमिंग आउट, वो उसमें डीप डीप जाती रहती है। दिस इज ऑल सरफेसिंग, ठीक है। थोड़ा साइकोलॉजिकल पार्ट मार्गरेट एटवुड में जा रहा है। इसमें जो कैरेक्टर है उसका नाम नहीं है, किसी का भी इसमें नाम नहीं दे रखा, प्रोटैगनिस्ट का भी नाम नहीं है। तो अननेम प्रोटैगनिस्ट है, सफरिंग फ्रॉम द साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स, ये इसमें सिंपल सी थीम है, ठीक है। देन आता है हैंडमेड टेल। हैंडमेड टेल इसकी बुकर प्राइज विनिंग वर्क कहलाता है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जो कि गैरिसन्स मेंटालिटी के वॉर थीम के ऊपर बना हुआ है, फ्रंटियर लाइफ थीम है। इसका जो टाइटल है दैट इज इंस्पायर्ड बाय कैंटरबरी टेल्स, इससे हैंडमेड टेल लिया है।
यही स्टोरी है वॉर टाइम में जैसे विलेजेस या बॉर्डर साइड विलेजेस को कैप्चर कर लिया जाता है उसमें दिखाया है. तो यहाँ पे जो अमेरिकन वॉर हुआ है और एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट ने मतलब काइंड ऑफ अमेरिकन कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये वॉर करा नेबरिंग मतलब विलेज से या सिटी से. दे कैप्चर्ड अ फ्यू नेबरिंग विलेजेस ऑफ कैनेडा, वहां के लोगों को पकड़ रखा है, उनको लड़कियों को कॉन्क्यूबाइन बना दिया मतलब प्रोस्टिट्यूट बना दिया है, और जो लड़के थे उनको या तो स्लेव बना लिया है जो छोटी एजेस के थे, बड़े थे उनको मार दिया है. तो ऐसे ही यहाँ पे जून करके एक लड़की है जिसको पकड़ लिया है और उसके बच्चे थे हस्बैंड थे वो भाग गए हैं, तब तक ये पकड़ में आ गई किसी भी तरीके से. तो इसको पकड़ लिया है, इसको टॉर्चर करते हैं. सेरेना जॉय एक जर्नलिस्ट है लेकिन ये वाइफ है निक करके कमांडर की, एंड निक को बच्चा नहीं हो सकता, नहीं हो रहा. तो सेरेना को ही ब्लेम करता है वो कि तुम यू आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड, जबकि सेरेना जानती है कि उसको कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं है बट वो कुछ कहती नहीं है, वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है. तो नाउ ऑफ्रेड इज देयर. जब ऑफ्रेड का वो रेप करता था निक, मतलब ही वॉज इंटरेस्टेड इन ऑफ्रेड, एंड वो फ्रेडरिक, सॉरी निक कह रही हूँ, फ्रेडरिक, कैप्टन फ्रेडरिक की थी वो. इनका जून का या जो भी लड़कियां पकड़ी गई थी इन सबका नाम चेंज कर देते हैं, और जिस जिस ऑफिसर ने जिस लड़की को चूज किया था उसके नाम से उनका नाम रख दिया था. जैसे ऑफ ग्लेन, तो ये ग्लेन कमांडर का नाम है. ऑफ फ्रेड, तो फ्रेडरिक कमांडर का नाम है, तो शी इज ऑफ फ्रेड, ये उसकी है. इस तरीके से इनके नाम रखे गए थे. तो ऑफ्रेड को फ्रेडरिक जब रेप करता था तो सेरेना यूज टू हेल्प फ्रेडरिक, उसके हाथ वगैरह ऑफ्रेड के यही पकड़ के वहां बैठती थी, एंड मतलब अश्योर करती थी कि शी वोंट क्राई मच, उसके उसका मुंह वगैरह बंद करना वही करती थी कि ठीक है यू कैन डू दैट. तो शी इज ऑल्सो दैट हार्टलेस लेडी. नाउ निक जो है ये इनका शॉफर है, इनका लाइक ड्राइवर एंड ऑल, सारे काम यही करता है. और एक है प्रोफेसर पियोटो. तो प्रोफेसर पियोटो इज अ सोशल एक्टिविस्ट पर्सन जो इन सारी चीजों का पता लगा रहा है. ऑफ ग्लेन एक दूसरी कॉन्क्यूबाइन है, दूसरी इसी तरीके की बनाई हुई फोर्स्ड हैंडमेड है जो सारे काम घर के भी करती है और फिर इसको भी सेक्सुअली यूज किया जाता है. तो ऑफ्रेड बार बार भागने की कोशिश करती है या कुछ और करने की कोशिश करती है, तो इसको फ्रेडरिक और निक सारी सच्चाई बताते हैं कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें यहाँ पे बेच देंगे, वहां पे बेच देंगे, स्लेव्स की तरह बेच देंगे, एंड उनको इसको बहुत सारी चीजें दिखाते. तो ये बहुत डर जाती है. देन सेरेना को लगता है कि अभी काफी टाइम हो गया है बट शी इज नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट. तो फ्रेडरिक कैंट ब्लेम मी. अब फ्रेडरिक को खुश करने के लिए वो क्या बोलती है, निक को बोलती है कि यू हैव टू मेक रिलेशनशिप विद ऑफ्रेड सो दैट शी कैन गेट प्रेग्नेंट. और निक ही करता है फ्रेडरिक ऑफ्रेड के साथ सेक्शुअल अब्यूज. तो शी गॉट प्रेग्नेंट आफ्टर सम टाइम. बट ऑफ्रेड वॉज गुड विद निक. निक उसे रेप नहीं करता था, उसको टॉर्चर नहीं करता था. ही सिंपली सेड दैट आई हैव बीन ऑर्डर्ड फॉर दिस, तो मान जाओ. तो वो एक दो बार रिक्वेस्ट के बाद व्हेनेवर निक वॉज गोइंग तो ऑफ्रेड वॉज रेडी. तो शी गॉट प्रेगनेंट. सेरेना को भी ये चीज फील होती कि निक वॉज ऑल्सो इन लव विद ऑफ्रेड. ऑफ्रेड जब प्रेग्नेंट होती है और उसको फ्रेडरिक को लगता है कि ये उसका बच्चा है, तो ही वॉज गिविंग इम्पोर्टेंस टू हर, उसको बोलता है कि ऐसे मैं किसी के भी साथ प्रेग्नेंट किसी को भी कर सकता हूँ, तुम क्या मेरे को भाग के मतलब छोड़ के भागने की कोशिश कर रही थी, आई नीड अ चाइल्ड, और ये सब उसको बोलता है. बट सेरेना को पता है कि रियलिटी क्या है. बट सेरेना कहीं ना कहीं डाउट भी करती है कि निक इज इन लव विद ऑफ्रेड. तो जब वो ये सब देखती है, और पहले तो उसको लगता था कि ठीक है हम निक का है या जो भी है मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी फ्रेडरिक की हैप्पीनेस के लिए, लेकिन बाद में शी थॉट कि why should I take care of someone's child like निक एंड ऑफ्रेड का बच्चा है, पालूंगी मैं जस्ट टू शो कि ये फ्रेडरिक का है, मैं नहीं कर सकती. तो वो
इस तरीके से फ्रेडरिक को बोलती है कि आई कैन नॉट सी द पेन ऑफ ऑफ्रेड, वो बहुत सहन कर रही है और हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर दिया, तो मैं एक काम करूं इसको मतलब ले जाओ यहाँ से, इसको छोड़ दो या मार दो या जो भी है। वो उसको कुछ ऑर्डर देती है, बट निक लास्ट में इतना ही दिखाते हैं कि उसको लेके एक कैब में उसको लेके जाता है नियर द बॉर्डर्स और उसको बोलता है मतलब टू गो और समथिंग कि तुम्हारे हस्बैंड या बच्चे वहां है, हमने ढूंढ लिए हैं, समथिंग लाइक दैट। अब वो बॉर्डर क्रॉस करके चली जाती है, बच जाती है, मर जाती है, क्या है इसका ओपन एंड छोड़ा हुआ है, इसको इसका एंड कंप्लीट नहीं है। ऐसी नॉवेल जिनका एंड क्लियर नहीं होता उनको बोलते हैं ओपन एंडेड नॉवेल या ओपन एंडेड स्टोरीज, जिनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि इसका एक्चुअल एंड ये है। दैट समटाइम्स इज लेफ्ट ऑन द चॉइस ऑफ रीडर्स, कि रीडर अपने हिसाब से उसका एंड अज्यूम कर सकते हैं, उन्हें ओपन एंडेड वर्क्स बोला जाता है। तो यहाँ पे भी यही था। अब बात आती प्रोफेसर पियोटो का क्या काम है। पियोटो बेसिकली एक प्रोफेसर हैं जो लाइब्रेरीज वगैरह में वर्क जाते हैं एंड ही इज अ सोशल एक्टिविस्ट। तो ऑफ्रेड जितना भी करप्शन देखती थी इस टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के बारे में जितना कुछ जानती थी वो टेप्स में रिकॉर्ड कर करके वो आते जाते लाइब्रेरी के बुक शेल्फ में कहीं कहीं रखकर आ जाती थी। वो नहीं कर पाती थी तो कभी ऑफ ग्लेन के थ्रू, कभी किसी और फ्रेंड के थ्रू वो लाइब्रेरी तक वो कैसेट्स पहुंचाती थी कि कभी तो किसी ना किसी के हाथ में कोई एक कैसेट लगेगी और उसके थ्रू वो बाकी की ढूंढेंगे और दे विल गेट टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद अस, हमारे साथ हो क्या रहा है, और वो हमारी हेल्प करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन शायद लोगों को पता भी नहीं है कि कहाँ कौन सी बिल्डिंग में ऐसी कॉन्क्यूबाइंस है या हमारे साथ कुछ हो रहा है, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, लोगों को पता भी नहीं है। तो ये सिटी वगैरह में जाके और इस तरीके से लाइब्रेरीज के अंदर इन्हें छोड़ छोड़ कर आती थी कि कोई ना कोई सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट या प्रोफेसर जो भी होगा कोई अच्छा इंसान हमें बचा लेगा। सो दिस इज हैंडमेड, इज इट क्लियर? हैंडमेड समझ में आया वर्क? यस मैम। यस मैम। ओके Elias Grace, yes, ma'am. Okay, good. Elias Grace जो वर्क है इसमें Elias is a Elias is a journalist and Thomas Skinner एक स्कॉटिश वेल्दी पर्सन है जिसका मर्डर हो गया है एंड ग्रेस मार्क्स नैन इज अ सर्वेंट जिसको लाइफ टाइम इम्प्रेजनमेंट मिला है। नैन्सी उसकी मिस्ट्रेस थी, इसकी भी डेथ हो गई है, इसी के साथ इसका भी मर्डर हो गया है। जेम्स एक और ग्रेस मार्क्स का फ्रेंड है जिसको मर्डरर कंसिडर करके उसको फांसी सुना दी गई है। तो जेम्स की तो डेथ हो गई है बिकॉज ही वाज सेंटेंस टू डेथ, उसको उसकी डेथ हो गई है। नैन्सी ऑलरेडी मर चुकी है। थॉमस स्किनर का भी मर्डर हुआ है क्योंकि नैन्सी और थॉमस स्किनर एक साथ मरे हुए उसके घर में मिले। नाउ ग्रेस मार्क्स क्योंकि वो भी एक सर्वेंट था उसको भी पकड़ रखा है और क्योंकि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे इसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे रखा है। सो एलियास जो कि एक जर्नलिस्ट है शी मेट हिम एंड शी फाइंड देयर इज नथिंग। ग्रेस मार्क्स उसको कुछ स्टोरी सुनाता है जो यहाँ पे रिवील नहीं कर रखी। नाउ एलियास इज ट्राइंग टू गेट जजमेंट फॉर ग्रेस कि किसी तरीके से उसको न्याय मिल जाए, उसने खून नहीं कराया या कोई सबूत नहीं है तो उसको ऐसे नहीं पकड़ा। ठीक है, ये सिंपल सी स्टोरी है, बस इसमें कैरेक्टर्स की आइडेंटिटी जितना लिखा है उतना भी ध्यान रखोगे तो चलेगा कि दिस इज अबाउट टू गेट जजमेंट फॉर ग्रेस। जैसे हमने मैंने आपको अनिल्स को समझाया था ना, थोड़ा थोड़ा उसी की तरह। ठीक है, देन ब्लाइंड असैसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि ये बुकर प्राइज अवॉर्डेड है, गवर्नर जनरल अवॉर्डेड वर्क है। इसमें इट्स अ नॉवल विद इन अ नॉवल। तो एक जो नॉवल ब्लाइंड असैसिन है वो मार्गरेट एटवुड लिख रही है अबाउट द कैरेक्टर आयरिस चेज। ठीक है, इसका पूरा नाम है आयरिस चेज।
आयरिस चीज के बारे में हमारी राइटर लिख रही है. आयरिस चेज जो जिसकी स्टोरी उसने सुनाई है वो भी एक राइटर ही है और वो भी सेम टाइटल से एक बुक लिख रही है, द ब्लाइंड असैसिन, जिसकी हीरोइन है लॉरा चेज, उसकी खुद की बहन. ठीक है, तो लॉरा चेज इज बेसिकली द प्रोटैगनिस्ट ऑफ इन आयरिस नॉवल या आयरिस स्टोरी. जो आयरिस की स्टोरी है उसमें सेंट्रल फिगर कौन है, लॉरा, और आयरिस कौन है, प्रोटैगनिस्ट है इन ब्लाइंड असैसिन द नॉवल बाय मार्गरेट एटवुड. इसमें रिचर्ड आयरिस का हस्बैंड है, पॉलिटिशियन है, अब्यूजिव है, कोई ध्यान नहीं देता आयरिस पे, आयरिस अकेले होती है. एलेक्स जो है वो लॉरा का बॉयफ्रेंड है, रोमांटिसाइजर है, लेकिन इसको एक हायर एस्पिरेशन से काफी आगे बढ़ना चाहता है, तो लॉरा के साथ रहता है. बट मीनवाइल जब इन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है आयरिस का और एलेक्स का, तो एलेक्स फॉल फॉर आयरिस आल्सो, इन दोनों के रिलेशनशिप होता है. आयरिस को पता होता है कि लॉरा का बॉयफ्रेंड है, तो आफ्टर सम टाइम शी फील गिल्टी कि मैं ये क्या कर रही हूँ. बट लॉरा को भी मीनवाइल पता लग जाता है, बट लॉरा कभी इस चीज को डिपेक्ट नहीं करती, बट अंदर अंदर घुलने लगती है, एलेक्स से दूर हो जाते हैं और वो बीमार पड़ जाती है, इनको समझ नहीं आता, एंड शी डाइड. बट मरने से पहले शी रोट अ लेटर टू आयरिस कि आई नो एवरीथिंग, और उसकी वजह से एलेक्स जो होता है ये एलेक्स को अपने आप से दूर कर देती है. एलेक्स को समझ नहीं आता, ही टुक द एडवांटेज ऑफ रिचार्ड और अपना करियर बनाने में लग जाता है. तो जब आयरिस उसे छोड़ती है इसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बट आयरिस को लगता है कि लॉरा के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार मैं, क्योंकि जब वो उसकी डायरी और लेटर फाइंड आउट करती है तो शी फाउंड कि रिचर्ड इधर लॉरा को सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था, उसको क्या कहते हैं, ही वाज रेपिंग हर एंड टॉर्चरिंग हर, इवन ब्लैकमेलिंग हर. रिचर्ड भी लॉरा के साथ सेम चीज कर रहा था. लॉरा उससे ऑलरेडी परेशान थी और एलेक्स के बारे में जानने के बाद शी लूज ऑल द होप्स ऑफ लाइफ एंड दैट इज व्हाई शी डाइड. तो दिस इज द ब्लाइंड असैसिन, व्हिच लाइक असैसिन का मतलब होता है मर्डर. तो अ ब्लाइंड मर्डर इज लाइक कि दे ही मर्डर्ड द यंगर सिस्टर अननोइंगली. ठीक है, ऑरिक्स एंड क्रेक इनकी डाइस्टोपियन नॉवल है. ये बाकी की जो नॉवेल्स है इसमें पेनेलोपियाड छोड़ दो, और ऑरिक्स एंड क्रेक, द ईयर ऑफ फ्लड एंड मैड एडम, ये जो इनकी नॉवल है ये तीनों डाइस्टोपियन नॉवल है जिसमें साइंटिफिक फिक्शन को दिखाया गया है विदाउट इमोशंस. साइंटिस्ट और टेक्निकल लोगों की लाइफ को दिखाया गया है. सो यू कैन जस्ट लीव दीज नॉवल, बट आई सजेस्ट कि थोड़ा सा इन तीनों नॉवल्स की ट्रायलॉजी है इसके बारे में थोड़ा जान लेना ज्यादा ठीक है. उसके बाद इनका ये वर्क है हैगसीड 2016 का एंड द टेस्टामेंट्स 2019 का. अब इनके ये शॉर्ट स्टोरीज हैं, इसमें आपको करना है गर्ट्रूड टॉक्स बैक, गुड बोन्स एंड सिंपल मर्डर के कलेक्शन में ये सेकंड नंबर पे दे रखा है गर्ट्रूड टॉक्स बैक. ये एक फेमिनिस्ट डिपिक्शन है, इट्स अ फेमिनिस्ट डिपिक्शन ऑफ गर्ट्रूड एंड फेमिनिस्ट डिपिक्शन ऑफ गर्ट्रूड mother of Hamlet. She talks back and justifies her act to Hamlet in the scene Gertrude Chambers scene of the play. ठीक है, yeah, I should say in the Gertrude's chamber scene. Okay. So this is a feminist depiction of Gertrude, a depiction of the character of Gertrude. Character of Gertrude, who is the mother of Hamlet, she talks back, वो अपना पलट के बात करती है और अपने जो भी उसने क्लेम कर रहा है
हैमलेट उसके ऊपर कि तुमने साथ दिया या तुमने मार दिया मेरे फादर को, तो वो अपने एक्शन को जस्टिफाई करती है कि क्यों मैंने ऐसा करा, एंड शी इज टेलिंग अ स्टोरी. तो दिस इज अनदर वर्जन. इसके ऊपर नेट में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है. बाकी आप ये नाम ध्यान रख लीजिए, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है. नॉन फिक्शन में सर्वाइवल है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, चार टाइप के ये विक्टिम्स. यस मैम. फोर टाइप के ये विक्टिम्स करवाए थे मैंने. इन गैरिसन्स मेंटालिटी. यस मैम. ठीक है, ये वही है. अब ये हैं आपके बाकी के राइटर्स. देखो ये बाकी के राइटर्स हैं, मार्गरेट लॉरेंस, मैविस गैलन, माइकल ओडेंजी हम कर चुके हैं, कैरल शील्ड, एलिस्टर मैक्लॉयड, मार्जो डी ला रोशे, लॉरेंस हिल, एलिस मुनरो एंड लियोनार्ड कोहेन. इसमें मिशेल ओडेंजी, माइकल ओडेंजी हम कर चुके हैं, दिस इज डन. और आपको ये जो राइटर है, देन मैविस गैलन भी नहीं करना है. मैविस गैलन वी आर नॉट गोइंग टू डू. माजो डेला रोशे वी आर नॉट गोइंग टू डू. ये दो राइटर हमें करने ही नहीं है. ठीक है, सो अब आपके पास कितने राइटर्स बचे? सेवन राइटर्स. इसमें लियोनार्ड कोहेन वॉज अ पोएट लॉरिएट, इनको भी नहीं करना है, आपको केवल नाम जानना है इनका. सो सबसे पहले लियोनार्ड कोहेन की केवल ये पोइट्री की बुक के नेम्स है, जिसमें जो ये मैंने येलो से लिखे हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट. बाकी के कलेक्शन है और ये नॉवेल्स हैं, सॉरी, और इनसे जो लिखा है दीज आर नॉवेल्स. ये नॉवेल्स हैं इनके, द फेवरेट गेम, ब्यूटीफुल लूजर्स एंड अ बैलेट ऑफ लेपर्स, ये इनके नॉवेल्स हैं और बाकी के सारे पोएम्स हैं. आपको केवल नाम ध्यान रखना है एंड यू नीड टू डू ओनली दिस वर्क, द फेवरेट गेम. एक इसकी स्टोरी पढ़नी है, दैट इज ऑल अबाउट द लव एंड द डिच इन लव, नथिंग एल्स. फिर आते हैं हम एली मंडल पे. अच्छा, ये राइटर्स, इन राइटर्स को भी तो करना है, चलो अभी करवाती हूँ. एलिस मंडल, मार्गरेट एविसन, अल्प्रूडी, मिल्टन एक्रॉन, अर्ले बर्नेल, यान मार्टेल मैंने करवाया आपको? नहीं करवाया, यान मार्टेल करना है. ठीक है, बाकी जो अभी 11 टू 15 राइटर्स हैं उन्हें छोड़ दीजिए, ये केवल एक जनरल टाइम के लिए मैं आपको दे रही हूँ. आपकी बुक में तो ये सारा दे ही रखा होगा. हेलो हेलो, आपकी बुक में ये सारे राइटर्स दे रखे हैं ना, रिद्धि एंड कनिका आर्य? मैम सारे राइटर्स दे रखे हैं. मैम सारे राइटर्स के नेम? सारे राइटर्स के नेम नहीं है, ये है यान मार्टेल निकालो. मैम सारे राइटर्स दे रखे हैं. कोई बात नहीं, यान मार्टेल निकालो, जो मैं कह रही हूँ बस उन पे फोकस करो, जो नहीं है वो छोड़ दो. फाइंड आउट यान मार्टेल. बताइए. यस मैम. मिला यान मार्टेल? यस मैम. यान मार्टेल तो स्टार्टिंग में ही होगा बच्चे. यस मैम मिल गया. कंटेंट में से देख के. यस मैम मिल. हाँ, इसके गुड. इसके केवल एक वर्क को पढ़ना है, लाइफ ऑफ पाई. ठीक है, इसके केवल एक वर्क को पढ़ना है आपको, लाइफ ऑफ पाई को. लाइफ ऑफ पाई की स्टोरी किसको किसको पता है? मैंने बीच में भी बताया था ना आपको, द जर्नी ऑफ 27 डेज इन अ लाइफ सेविंग बोट विद अ टाइगर. मैंने क्लास में भी एक बार डिस्कस किया था कि पीपल यूज टू कम टू कैनेडा, बिकॉज यहाँ पे कोई क्या कहते हैं वीजा सर्विसेज नहीं थी, इनको अलाउ करना पड़ता था. तो इस तरीके की स्टोरी दिखाई है, इसमें मैजिकल रियलिज्म दिखाया है कि बोट पे एक टाइगर के साथ इतने दिनों तक रहा, फ्लोटिंग आइलैंड है. आप इसकी मूवी देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से. और बाकी जो स्टोरी है, दिस इज अबाउट पाए, जो ये लड़का है पिसिन मोतीदार पटेल, जो अपनी फैमिली के साथ इंडिया से कनाडा शिफ्ट होने जा रहा है, और इसका शिप जो है जापानीज आइलैंड, जापानीज सी में डूब जाता है. तो ये पैसिफिक से अब अकेले 227 दिन तक फ्लोट करते 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 कनाडा पहुंचता है. ठीक है,
यही स्टोरी है, दैट इज द रोमांटिसिज्म. बट इस स्टोरी को मार्क कर लो अच्छे से, ये पढ़ना है आपको, समरी दे रखी है. कोशिश करना थोड़ा चाहे स्किप कर करके यूट्यूब वगैरह पे सब पे दे रखा है, लाइफ ऑफ पाई मूवी देख रहा बस. ओके बाकी इसका छोड़ दो, दोनों की दोनों डाइस्टोपियन है. वी एट द चिल्ड्रन लास्ट एंड बीट्रिस एंड वर्जिल. बीट्रिस एंड वर्जिल भी इम्पोर्टेंट वर्क है वैसे तो, एलेगोरिकल फिगर है ये, होलोकॉस्ट फिक्शन है. जैसे होलोकॉस्ट के अंदर लोगों को मारा जाता था गैस चैम्बर्स में, और उसमें यहाँ पे बीट्रिस एंड वर्जिल जो है वो मोंकी एंड डोंकी को दिखा रहे हैं, जिनको मार दिया गया, उनकी खाल के अंदर भूसा भर दिया गया है, बट स्टिल द सोल्स आर देयर एंड दे आर टॉकिंग, दे आर डिस्कसिंग. तो थोड़ा सा ये डाइस्टोपियन वर्क है होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स के बारे में, इसे पढ़ लेना. इस पे अभी 2 साल पहले क्वेश्चन आया है, मैंने आपको आउटलाइन बताई है, लेकिन इसका थोड़ा सा दैट हु आर किलिंग एंड द पर्पस, ये बस थोड़ा सा देख लीजिएगा. ओके रावी हेज करवा दिया था, एंड माइकल्स करना नहीं है, ऑलिव सीनियर मॉड्यूल ठीक है, रोहिंटन मिस्त्री भी करवा दिया था मैंने, एंड लेट मी सी, ये रोहिंटन मिस्त्री का आपने पढ़ा था वर्क, हाँ no, ma'am. रोहिंटन मिस्त्री का पढ़ा था, नहीं no, ma'am. अच्छा पढ़ लेना. देखो मैंने आपको बताया था सच अ लॉन्ग जर्नी के अंदर कि वो एक पारसी फैमिली का क्लर्क है जो सारा कुछ रिवील करता है अबाउट गांधी फैमिली. फाइन बैलेंस के अंदर मैंने बताया था आपको फाइनेंशियल करप्शन, और फैमिली मैटर्स के अंदर थैकरे फैमिली का. देन इनके ऑस्टिन क्लार्क, इनका भी पोयम है इलियट क्लार्क, लेट मी सी, एंड कैरोस पैट्रिक लेन, कितने राइटर्स है, जॉर्ज बोवरिंग. चलो आई एम गोइंग टू गिव यू दिस फाइल ऑल्सो. ये जो फाइल है इसके अंदर ये 5 राइटर्स दे रखे हैं, दे बिलोंग टू अ मूवमेंट ठीक है, ये केवल टिश पोएटिक मूवमेंट वैनकूवर से बिलोंग करते हैं, जिसे ब्लैक माउंटेन कॉलेज में स्टार्ट किया गया था, ये उसके मेंबर्स हैं, केवल नाम ध्यान रखना है. और बाकी के राइटर्स जो मैं निशान लगवा रही हूँ ना, केवल उसमें आ जाओ आप. नाउ कम टू द राइटर्स विच वी वर डूइंग. मार्गरेट एटवुड के बाद आप राइटर निकालो मार्गरेट लॉरेंस. मार्गरेट लॉरेंस निकालिए ठीक है, निकाला राइटर मिले, ये सारे राइटर्स आपको मिले होंगे आपके उसमें कंटेंट लिस्ट में, निकाल के गो टू द पेजेस. मार्गरेट लॉरेंस पेज नंबर 54, हाँ निकालो. इनके वर्क बताओ मुझे. यस मैम. बोलो इनके वर्क बताओ, बताइए मार्गरेट लॉरेंस का वर्क बताइए. अ जेस्ट ऑफ गॉड. हाँ मार्क करो, मार्क करो इस वर्क को, अ जेस्ट ऑफ गॉड. द डिवाइनर्स. द डिवाइनर्स ओके, एंड द स्टोन एंजल. The Diviners, Jest of God, The Stone Angel, The Stone Angel. Margaret Lawrence का एक तो Jest of God और Stone Angel, दोनों को mark करो. और late भी जा रही है. Jest of God जो है, this is. I think है ना voice का कुछ issue हो रहा है, double double repetition में voice आ रही है. डबल डबल रिपीटेशन में कैसे? हेलो एक मिनट मैं देखती हूँ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले तो था दूसरे फोन से भी ज्वाइन कर रखा था लेकिन अभी तो नहीं है. हेलो अभी ठीक है, अभी ठीक है. हेलो मैम आपकी तो ठीक आ रही है बट हम लोग जो बोलते हैं ना वो, हाँ वो रिपीट होकर आ रही होगी, वो हो सकता है, वो हो सकता है कि आपको रिवर्ट हो रही होगी, वो रिकॉर्डिंग हो रही है ना इस वजह से. यस मैम अभी ठीक है. हाँ चलो कोई नहीं, अब आगे देखो. मार्गरेट लॉरेंस का जो हम पढ़ रहे हैं ठीक है.
मार्गरेट लॉरेंस का जो वर्क है अ जेस्ट ऑफ गॉड, दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये जो राइटर है चीज वेल नोन राइटर, और इनके इस वर्क को बेसिकली फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी इम्पोर्टेंस दी है, और इनके वर्क को फ्रेंच जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी एक्सेप्ट करा है। इसकी स्टोरी के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, जीन मार्गरेट लॉरेंस के ऊपर। इनका पूरा नाम है जीन मार्गरेट लॉरेंस, राइट। तो जेस्ट ऑफ गॉड इनका मार्क कर लीजिए, आपको पढ़ना है। स्टोन एंजल जो इनका वर्क है जिसके अंदर कैरेक्टर है हैगर क्यूरियर शिपले, ये एक ओल्ड लेडी है जिनको इनके बच्चे ओल्ड एज होम के बाहर एक नर्सिंग होम के बाहर छोड़े हैं। तो पहले तो ये बहुत चिड़चिड़ी रहती है कि ये लोग मुझे निकाल देंगे या मेरे बच्चे को फोन करके बोलेंगे तो वो मुझे लेके जाएगा, लेकिन जब इसे रियलाइज हो जाता है कि एट एनी कॉस्ट मैं घर नहीं जाने वाली हूँ, मुझे अपने एंड डेज यहीं पे निकालने पड़ेंगे, तो ये एडजस्ट करती है, ये लोगों की हेल्प करती है लेकिन खुद के लिए कभी कुछ मांगती नहीं है, अपनी आप ही सारे काम करती है। शी बिकम नाइस टू एवरीवन और सबको सपोर्ट करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे इसका जो दिखाया गया है दैट द जेस्चर जो इस लेडी का दिखाया गया है दैट इज कि शी वॉज लाइक अ एंजल फॉर एवरीवन। सो इसको यहाँ पे स्टोन एंजल कि शी इज लाइक अ स्टोन, शी डजंट हैव एनी इमोशंस बट शी वॉज एन एंजल, शी वॉज हेल्पिंग एवरीवन एंड वॉज दैट नर्सिंग होम वॉज बिकम अ सिंबल ऑफ डेथ फॉर हर, कि बस मैं यहाँ पे मरने के लिए आई हूँ बिकॉज माई फैमिली कैन नॉट हैव मी, ठीक है। एंड ये दो वर्क इनके बस मार्क कर लो, स्टोन एंजल एंड जस्ट फॉर गॉड। जस्ट फॉर गॉड एक बार आप खुद पढ़ लेना, मेरे पास यहाँ स्टोरी नहीं है इसकी सो मैं नहीं बता पा रही हूँ। देन लियोनार्ड कोहन का मैंने बता ही दिया है, लियोन रूक इसमें लिखा नहीं है। लियोन रूक राइटर मिला आपको, हेलो। अच्छा यान मार्टल के बाद आपको एलिस्टर मैक्लॉयड मिला, फाइंड आउट एलिस्टर मैक्लॉयड। यस मैम मिल गया, यस मैम। इसका बस एक वर्क मार्क करो, नो ग्रेट मिसचीफ, नो ग्रेट मिसचीफ। दिस इज द स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स, जो ये दो ब्रदर हैं ये रहते हैं, छोटे वाले भाई को बड़ा वाला भाई जो है वो हर चीज में सपोर्ट करता है, उसकी गलतियां भी ढकने की कोशिश करता है, ही इज अर्निंग और अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए वो सब कुछ कर रहा है, बढ़ाने के लिए सब कुछ। दिस इज अबाउट द ब्रदरहुड बट अल्टीमेटली ही वॉज डूइंग द सिली मिस्टेक्स एंड देन बिग मिस्टेक्स एंड देन क्राइम्स। तो उसकी जर्नी को दिखाया है। देन द एल्डर ब्रदर वॉज रियलाइज बाय द पुलिस कि यू वर रॉन्ग इन सपोर्टिंग हिम इवन फॉर द मिस्टेक्स। तो ये यहाँ पे कॉन्टेम्पररी प्रॉब्लम्स जो है कि बढ़ावा देने पे या सपोर्ट करने पे पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट समवन इज सपोर्टिंग बट दे स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज, उसका भाई भी यही करता है। तो ये इस थीम के ऊपर ये वर्क लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट राइटर कौन सा है आपकी बुक में एलिस्टर मैक्लॉयड के बाद, कैरोल शील्ड्स निकाल लो, किया ओपन, रावी हेज, रावी हेज हम कर चुके। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है कंटेंट में देखो ना, पेज नंबर 23 कैरोल शील्ड मिला। यस मैम, इज दिस कैरोल शील्ड? यस मैम। ओके, कैरोल शील्ड के जो भी वर्क्स आपको दिख रहे हैं स्टार्टिंग से स्मॉल सेरेमनीज देन स्वैन, इनको छोड़ दीजिए, ठीक है। स्मॉल सेरेमनीज तो वैसे भी छोड़ दो, स्वैन जो है वो एक मैरी स्वैन करके एक लड़की की मिस्टीरियस स्टोरी है, बट इसे छोड़ देते हैं। देन आप थर्ड वर्क पे जाओ, द रिपब्लिक ऑफ लव, इसे इम्पोर्टेंट मार्क करो। इसमें एक ऐसे कपल की स्टोरी है जिसमें जो लड़की है शी इज अ रिसर्चर, वो मरमेड्स पे रिसर्च कर रही है, और जो लड़का है वो रेडियो जॉकी है। दोनों की डिफरेंट डिफरेंट लाइफ है लेकिन फिर भी अपने एडजस्टमेंट्स के साथ दोनों फैमिली लाइफ को बनाने के लिए और अपनी लव लाइफ को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग एंड दे एक्चुअली मेड इट सक्सेसफुल, ठीक है। तो दैट इज द रिपब्लिक ऑफ लव, इट्स अ पॉजिटिव स्टोरी, लेकिन इस पे क्वेश्चन आया हुआ है वो हमें करना है। देन इनकी शॉर्ट स्टोरीज के अंदर स्टोन डायरीज है,
जैसे कि अभी स्टोन एंजल मैंने बताया था आपको, लॉरेंस, मार्गरेट लॉरेंस का, सेम कैरोल चिल ने स्टोन डायरीज लिखा है, जिसमें जो लेडी है डेजी गुडविल फ्लैट, उसके अपने ओल्ड एजेस के एक्सपीरियंसेस हैं कि हाउ पेनफुल इट वाज व्हेन शी वाज लिविंग अलोन। तो वो अपने उस सारी चीजों को लिखती है जो कि इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज के उसमें पब्लिश कर रखे हैं। तो इसके बारे में केवल इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें डिटेल नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। देन गो फॉर हर अनदर वर्क, लैरीज पार्टी मिला, लैरीज पार्टी वर्क मिला, फाइंड आउट करने में आई थिंक प्रॉब्लम हो गया। बट बुक में तो नहीं होनी चाहिए, बुक में तो प्रॉपरली हाईलाइटेड है, इंग्लिश वाली ब्रिटिश वाली बुक की तरह तो नहीं है ये बुक, ये तो प्रॉपर बनी हुई है। मिल गया वर्क, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो, ये स्टोरी फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो साथ साथ में दे रहा, फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, हमारी वॉइस 2 मिनट बाद पहुंच रही है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई विल वेट, कोई बात नहीं। बट आपका जो लैरीज पार्टी है, आप इसको मार्क करो, ये इम्पोर्टेंट है, इट्स अ, इट इज ऑल अबाउट सक्सेस स्टोरी ऑफ। वॉइस नहीं पहुंच रही है मैम, मेरी आ रही है ना वॉइस आपको? Yes, आप लोगों की वॉइस थोड़ा सा स्लो आ रही है, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं है, वी कैन वेट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके 2 राइटर टोटल बचे हैं, तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं आज इसे फिनिश ही करवा दूंगी, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको बीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपना काम आज पूरा करके रहेंगे। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, सो डोंट वरी, हो जाएगा, होते रहते छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स। अभी क्या है, वो दिवाली वाली का टाइम है, थोड़ा हो सकता है नेटवर्क भी स्लो कर रखा, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने काम की तरफ, और इसका लैरीज पार्टी को इम्पोर्टेंट मार्क करो, इसकी स्टोरी पढ़नी है, दिस इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ द कैरेक्टर लैरी। बाकी इनके भी वर्क छोड़ दीजिए, इनका एक की क्रिटिसिज्म का वर्क है, सुजाना मूडी वॉइसेस एंड विजन, इसको मार्क करो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डिटेल नहीं आएगी, बस नाम ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब आपका लॉरेंस हिल हो गया है, माइकल उडांजी हो गया है, कैरोल शील्ड करवा दिया है, नाउ एलिस्टर मैकलॉयड करवा दिया है, आ जाओ लॉरेंस हिल निकालो, एक ही राइटर बची है, फिर एलिस मुल्लो, सुजाना मूडी भी है, लॉरेंस हिल निकाला, वर्क आया, मिला आपको? यस मैम। ओके, इसमें इनका जो ब्लैकर द बेरी है, नॉन फिक्शनल वर्क है, इसका थोड़ा डिटेल उसमें बुक में दे रखा है, उसे देख लेना, because he is a black Canadian, he is a Negro Canadian writer who has dealt with the theme of slavery, slave narration and like slave trade basically in Canada. तो इन्होंने उसकी बात करी है, and the book of Negroes जो है वो इनकी most important book है, उसे double mark कर लीजिए, ये आपको पढ़ना है story completely। Aminata Diallo की है, जिसमें इस बच्ची को जब ये 10 साल की थी, इसे kidnap कर लिया था, इसे ले गए थे स्लेव ट्रेड के लिए, शिप पे ही इसके साथ रेपिंग स्टार्ट कर दी थी, सो दैट शी विल बी यूज्ड टू ऑफ दैट, क्योंकि जहां पे भी इसको सेल करेंगे फिजिकली अब्यूज तो करेंगे ही करेंगे, लड़की है तो इसको वहीं पे फिजिकली अब्यूज करना शुरू कर दिया था, एंड फ्रॉम द एज ऑफ 10 ईयर शी स्टार्टेड बियरिंग दिस, जो अपनी पूरी एज ये झेलती है, और उसके बाद इसका नाम भी चेंज कर दिया जाता है, मीना डी रख देते हैं, उसी नाम से इसकी ट्रेडिंग होती है। इसको जैसे जैसे फैमिलीज मिलती है, कैसे वो रखती है, कहाँ से भागती है, किससे शादी करती है, ये सारी स्टोरी इसमें दी गई है, वो आपको डिटेल पढ़नी है, यही इकलौती बुक है इसकी जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी का आपको एनी नोन नेम का केवल नाम ध्यान रखना है, नथिंग एल्स। नाउ कम टू अनदर राइटर, सुजाना मूडी, फाइंड आउट अनदर राइटर, सुजाना मूडी। यस मैम, मिल गई। सुजाना मूडी, देखो ये राइटर होगी। यस मैम, मिल गई। मिल गई। इनके जो वर्क है, दे आर ऑल, मतलब शी वॉज राइटिंग ड्यूरिंग द
वेरी प्रिमिटिव टाइम ऑफ कैनेडियन राइटिंग, जब राइटिंग ये लिटरेचर स्टार्ट हुआ था, ये बेसिकली उसी टाइम पीरियड में लिख रही थी. तो शी हैज बीन कंसिडर्ड एज द फॉरमोस्ट फीमेल राइटर. ये फर्स्ट फीमेल राइटर्स की कैटेगरी में, इनसे पहले किसी और ने लिखा भी नहीं है लिटरेचर. इनका सारे वर्क को मार्क करना है आपको. मैट्रिमोनी स्पेक्यूलेशन नॉवल है, जिसके अंदर इन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड मैरिटल रिलेशनशिप इन कैनेडा को डिफाइन करा है. डिटेल बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, सरफेशियल स्टडी. तो मैट्रिमोनी स्पेक्यूलेशन को मार्क कर लीजिए. देन पेट्रियोटिक सॉन्ग, इनका नाम याद रखना है, ये कलेक्शन ऑफ पोएट्री है जो इन्होंने कैनेडा के लिए लिखा था. देन रफिंग इट इन द बुशेस, इनके मेमोयर है तीनों, लाइफ इन द ब्लैक वुड्स, लाइफ इन द क्लियरिंग, ये सब सीक्वेंस है. और इन तीनों में इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को शो करा है विद अ गैरिसन्स मेंटालिटी. लाइक शी इज टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट कैनेडा, कैनेडियन लाइफ, ट्रॉपिकल लाइफ, द ट्राइबल पीपल, इसने सबकी बात करी है. तो दिस इज अ कंप्लीट स्टोरी, और इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है. सुजाना मूडी को आपको कंप्लीटली करना है, ठीक है. मेरे पास यहाँ केवल ऑब्जेक्टिव में दिए हुए कुछ वर्क्स हैं, इसलिए मैं बता नहीं पा रही, मुझे याद भी नहीं है इसका. करा आपने इसको. अब आपको ये एक राइटर और बढ़ गया है, सिंक्लेयर बोस. यस मैम. मिल गया. इसमें इनका एक ही वर्क, इट्स फॉर मी एंड माय हाउस. इस ये डिप्रेशन ईरा जो आपका था आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था, उसके बारे में इन्होंने लिखा है. ओके, अब आप आ जाओ लास्ट राइडर पे, एलिस मुनरो. यहाँ हमारा कैनेडियन फिनिश होगा. फाइंड आउट एलिस मुनरो. इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी राइटर है, चिल्ड्रन फिक्शन लिखे हैं, एंड बट शी वॉज अ नोबल लॉरिएट इन 2013, एंड रिसेंटली शी हैज पास्ड. आई थिंक इन 2019 और 2020 में ही शी हैज पास्ड अवे. सो इनका ईयर ऑफ, एक बार जो भी चीज पढ़ते हो उसको थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लेना, क्योंकि ये लिखा हुआ है maybe 22 में हुई है, she passed in 22 I think. Recently हुआ इनका, इसलिए मेरी बुक में अपडेट नहीं है. बट she is dead now, and she was the first lady to get a Nobel Prize for children fiction and short stories. इनको चार गवर्नर जनरल अवार्ड मिले हैं, which is very very important, because Canada में जो गवर्नर जनरल अवार्ड है that is equivalent to साहित्य अकेडमी अवार्ड ऑफ इंडिया. वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और इनके मेन आपको कोई भी स्टोरी नहीं करनी है, केवल जिस कलेक्शन का नाम ध्यान रखना है वो चारों वो वर्क्स हैं जिनको गवर्नर जनरल अवार्ड मिले हैं. तो एक तो फर्स्ट आपका आ जाता है डांस ऑफ हैप्पी शेड, इसे टिक कर लो. देन मून्स ऑफ जुपिटर, प्रोग्रेस ऑफ लव, ओपन सीक्रेट, ये चार तो हो गए आपके वर्क्स जो उनको गवर्नर जनरल अवार्ड मिला है. इन वर्क्स को ध्यान रखना है. एंड देन लास्ट आ जाएगा डियर लाइफ, 2012 का पब्लिश्ड वर्क है ये, जिसके लिए शी गॉट नोबेल प्राइज. इनके ओवरऑल कलेक्शन, हाँ दोबारा रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट आएगा अ डांस ऑफ हैप्पी शेड्स. आपको केवल थीम देखनी है कि पर्टिकुलर कलेक्शन में इन्होंने किस पे काम करा है, बाकी इनके मेन जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं अभी लिखवा देती हूँ. डांस ऑफ हैप्पी शेड पे टिक कीजिए. देन द मून्स ऑफ जुपिटर, द प्रोग्रेस ऑफ लव, ओपन सीक्रेट्स, डियर लाइफ. ठीक है. yes, अब लिखो वहीं साइड में ही लिख लो थीम्स, सेंट्रल या मेजर थीम्स इन हर वर्क. Major themes in her works: Garrison's mentality, regionalism, regionalism, regionalism मतलब क्षेत्रवाद. वो अपनी जो जगह थी ऑन्टोरियो उसके बारे में बहुत ज्यादा लिखती थी, तो regionalism. Third, gothic and horror literature या gothic and horror themes. Fourth, love and marriage. Fifth, feminism and domestic violence.
feminism and domestic violence. Next, Canadian superstitions and beliefs. Canadian superstitions and beliefs. कितने पॉइंट्स हुए? Six. सेवेंथ लिखो. Autobiographical elements. Autobiographical elements. And eighth is fantasy fiction. Fantasy fiction. ठीक है? Yes, ma'am. ये आपका कैनेडियन लिटरेचर आज फिनिश हो गया है. इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लो. आपके पास टाइम रहेगा अभी कल के बाद ना, क्योंकि छुट्टी मिल रही है. तो कल तो मैंने आपको बोल ही दिया है, अगर पॉसिबल हुआ तो देखते हैं. वैसे सब लोग ट्रेवल वगैरह करोगे, घर कल ही चले जाओगे तो नहीं. संडे से अभी क्लास लेंगे, कल और परसों क्लास नहीं लेंगे. ठीक है? ओके मैम. ओके.